कत एलिए भाई जी? हमरा कनी 5 किलो कोबी के जरूरत छल। अहाँ के देखलहुँ हँ जे कोबी बड़ बढ़िया खेती केलिए अहाँ, तऽ जे कोबी है तऽ 5 किलो कोबी हमरा देल जाउ। ठीक है भाई जी, हम अहाँ के कोबी तोल के दह रहल छी, कनी देर रुकू। कनी भाई जी, हम करेला बिया के श्री विधि से हम शोधन कऽ रहल छी, तकर बाद हम अहाँ के कोबी जोहि के दऽ दै छी। ठीक छै दीदी। तऽ दीदी, ई करैला के बीज शोधन कले श्री विधि से करै छियै, से श्री विधि से करैला के बीज शोधन कोना करै छियै? तो भाई जी अहाँ पहिने बता दिया ना अहाँ केना करै छियै, तऽ हमहुँ हमसब तऽ बता दै साधारणे छी। विधि से करै छियै, पहिले 4 दिन बिया के फूले ला दऽ दै छियै, आ तकर बाद ओकरा कपड़ा में लपेट कऽ जे छै से कोनो तेहन जगह पर में दबा दै छियै जतऽ हवा तवा नहि लगै, तऽ 7-8 दिन में बीज अंकुरि जाइ छै। अहाँ सबके 7 से 8 दिन में बिया उखरबे में लगैए, हमरा सबके मानि लिअ 4 दिन में श्री विधि से बिया ओकरा के तैयार कऽ लै छियै। अहाँ सब श्री विधि से 4 दिन में? हाँ, 4 दिन बिया उखरा लै हाँ छियै? 4 दिन में अरे उखरा लै वाह। छियै। अहाँ सब श्री विधि से जे करैला के जे बीज शोधन जे करै छियै आ कहली 4 दिन में ओकरा लै छियै, तऽ एहिमे बिया नुकसान तुकसान नहि नहीं, होइए? बहुत अच्छा बिया है, एकदम निरोग बिया हुई है। अच्छा, एकदम हाँ निरोग बिया रहिए हाँ एहिमे बहुत अच्छा। आ उकड़ जाइए वो 4 दिन हाँ, में? पूरा एकोटा निमारी होइ छै। वाह। तहन ई करैला के बीज शोधन से जे एते फायदा छै, तऽ एहिके बारे में कनी हमरा नहीं बता देब? हाँ बता किया नहि दै, 5 मिनट रुकि जाउ, दुआरे न कहलन गे, हाँ बता दै छी तऽ देखे के चलि जाउ अहाँ सब। अच्छा ठीक छै, तहन तऽ फिर करैला के बीज शोधन के बारे में हमहुँ जानकारी लऽ लै छी, हाँ तहन कोबी लऽ ठीक कऽ जायब है, हमहुँ। हाँ ठीक है, ठीक छै दीदी, तहन की सब करबै से कनी हमरा बता दिअ। ठीक है, बता दै छी। देखियौ भाई जी, करैला बीज के श्री विधि से शोधन करे में कौन कौन सामान लगे छै, ई सब कनी जान लियौ। हाँ दीदी जरूर, एहिमे की सब लगै छै से कनी हमरा बता दिअ, तखने ने हमहुँ करबै। हाँ देखियौ भाई जी, ई छै करैला के बीया 100 ग्राम। ई करैला बीया 100 ग्राम है? हाँ अच्छा। हाँ देखियौ भाई जी, 50 ग्राम गुड़ छै। अच्छा ई गुड़ छै, गुड़ो लगै छै एहिमे? हाँ 50 ग्राम गुड़ भेल। हाँ गुड़ छै। अच्छा 100 ग्राम कहले करैला के बीया, 50 ग्राम गुड़। देखियौ भाई जी, ई छै 50 ग्राम जैविक खाद। अच्छा एकरा जैविक खाद कहै हाँ छियै? जैविक खाद कहै छै। अच्छा देखियौ भाई जी, गाय के गोंत अछि। अच्छा गाय के गोंत छी? हाँ अच्छा। देखियौ भाई जी, मिट्टी के बर्तन है में बीज के शोधन करबे। अच्छा ई माटिक बर्तन छी सह ने? हाँ अच्छा एहि में राखि कऽ शोधन करबै? एहि में शोधन कयल जेतै अच्छा बीज। देखियौ भाई जी, एहिमे सुसुम पानी अछि, माने अच्छा गरम पानी। अच्छा एहिमे सुसुम छै? हाँ अच्छा गरम ई पानी। सुसुमे पानि मे अथी करबै की? हाँ हाँ भाई जी, देखियो बीजा रक्षा ये। अच्छा ई बीजा रक्षा कहै छै एकरा? हाँ हाँ अच्छा तऽ एहिमे दीदी ई अहाँ एतेक समान के बतेलियै जे कहलियै 100 ग्राम करैला के बीया, 50 ग्राम गुड़, हाँ ठीक छै ने, ई हाँ माटि के बर्तन एहि मे कहलियै शोधन करबै, हाँ ई गाय के गोत, हाँ आ ई कहने छलियै 50 ग्राम जैविक खाद कहने हाँ छलियै ने, जैविक जैविक खाद। जैविक खाद, हाँ आ ई बीजा रक्षा, बीजा रक्षा। आ कहले सुसुम पानि में करबै सह हाँ ने, तऽ सुसुम सुसुम पानी। पानि मतलब एहि सब समान से जे छै से हाँ करैला के हाँ बीजक तैयार। शोधन कयल जाइ छै सह हाँ ने। हाँ अच्छा कोना कोना शोधन करै छियै सेहो देखाएल जाउ। देखियौ भाई जी, ई छै सुसुम पानी, आ ई जते बीया रहतै ना, एहिसे अच्छा दुगुना पानी रहै के चाही, अच्छा बीया सँ से दुगुना दुगुना सुसुम पानी। पानी रहक हाँ चाही सह सुसुम ने। पानी। हाँ अच्छा अब एकरा की करबै? ई माटि के बर्तन छै, एहिमे सुसुम पानी 200 ml दै छी। अच्छा ई सुसुम पानि एहि माटिक बर्तन हाँ में धऽ देली? हाँ देखियौ भाई जी, 100 ग्राम बीया है, गरम पानी में एकरा। अच्छा ई सुसुम पानी में बिया के धो देलिए? हाँ देखियौ भाई जी, गरम पानी के मतलब ई नहि बुझियौ कि खूब पानि खौल, हल्का सुसुम पानि रहै के चाही। अच्छा अच्छा मतलब बिल्कुल सुसुम हाँ होय, गरम नहि हल्का, होय बेसी? हाँ हल्का सुसुम अच्छा रहै अच्छा के चाही। देखियौ भाई जी, जते खराब बीया है ना, से हाँ पूरा हाँ छता रहल है, आ अच्छा अच्छा बीया जे है चिक्कन निरोग से हाँ अंदर में बैठ गेल है। ओ जे ऊपर छत छै से खराब हाँ बीया खराब छियै? बीया है, अच्छा एकरा हटा के आप फेंक दै छियै। अच्छा जे ऊपर छत छै से बीया सब हटा कऽ फेंक देबै नहि? हाँ ई खराब बीया है ना। ठीक। देखियौ भाई जी, जते नीक बीया छलै से राखि लेलियै, खराब बीया के फेंक देलियै, आब एहिमे गुड़ मिला दै छियै। अच्छा एहिमे गुड़ मिलेबै? हाँ अच्छा अच्छा दीदी एकटा चीज ध्यान आयल, एहिमे अहाँके पहिले सुसुम पानि देलियै, तहन बीया ओहिमे देलियै, छँटाइ केलियै छै ने, तहन गुड़ मिलेलियै,
ई सुसुम पानि जे शोधन जे करै छै से अहाँके सुसुमे पानि टाइम हेतै, ठंडा पानि नहि भऽ सकै छै? नहि भाई जी, नहि हेतै ठंडा पानि। देखियौ भाई जी, ई ठंडा पानिमे एहि दुआरे नहि होइ छै कि एकर बीजके जे छुलका होइ छै से मोट होइ छै। एहि दुआरे सुसुम पानिमे देल जाइ छै कि एकर छुलका अलगै छै तऽ जल्दी ओकरै हो। अच्छा, करैलाके जे बीआके छिलका होइ छै से अहाँके मोट होइ छै, कड़गर होइ छै, तऽ ओकरा सुसुम पानिमे दै छियै तऽ जल्दी अलगि गेल ने, ओहिसँ जल्दी बीज अंकुरि जाइ छै। तैं दुआरे हमरा सबके साधारण विधिमे बेसी टाइम लगै छै, अहाँ सबके जल्दी भऽ जाइ ने। ई सुसुम पानिके लिए तऽ बुझि गेलियै, एहिमे गुड़ मिलैया जखन से एहिमे शोधनमे गुड़ मिलबैसँ कोन की फायदा होइए? एहि दुआरे गुड़ मिलाएल गेलै कि गुड़ गरम होइ छै। अच्छा, तऽ एहिसँ गुड़मे ताकत होइ छै। गुड़ गरम होइ छै, गुड़मे ताकत होइ छै, एहि दुआरे मिलाएल गेल। अच्छा, तऽ गुड़ मिला देलियै, आब एहिमे जैविक खाद मिला दे। अच्छा, एहिमे जैविक खाद मिलेबै? हाँ, एहिमे मिला दे। अच्छा, जैविक खाद तो अहाँ 50 ग्राम मिला देलिए, लेकिन जैविक खाद में क्या मिलेलिए से कनी बता दियो। एहि दुआरे में मिलेलिए कि इससे ताकत होते, पौष्टिक होते। अच्छा, जैविक खाद मिलेला से ए बीज के पौष्टिक भेटै छै? हां, ताकत होते, ताकतो बढ़े छै ने। हां, देखियौ भाई जी, आप गोंते ने एकटा बाकी रहल, मैं 50 ml गोंत मिला दी। अच्छा, ई 50 ml गोंत छियै? हां, देखियौ भाई जी, आब एमे सब चीज मिला देलिए। अच्छा, एहिमे सबटा चीज दऽ कहिना मिला दै छियै? हाँ, सब चीज मिला देलियै। देखलियै भाई जी, एहिमे कते कते मात्रा छलै सब चीज के ना? हाँ, एहिमे तऽ हम देख लेलहुँ जे अहाँ की मिलेलिए। एहिमे छलै 100 ग्राम पहिले करैला के बीया। हाँ भाई जी, आ तखन एहिमे देलियै बीया के 2 गुना मतलब 200 ml देलियै अहाँके सुसुम पानि। हाँ भाई जी, तहन एहिमे देलियै 50 ग्राम गुड़, 50 ग्राम जैविक खाद आ 50 ml गाय के गोत, आ सबटा के मिला देलियै। हाँ भाई जी, सहने एहिना कऽ के शोधन होइ छै ने? हाँ, एनाहिते कऽ के शोधन होइ छै। एहिमे सब चीज तऽ मिला देलिए, आब एकरा 22 से 24 घंटा तक कतौ ठंडा जगह मे राखि के आ झाँपि देबी। अच्छा, आब एकरा जे छै से 22 से 24 घंटा राखियो पड़तै? हाँ, राखि के आ तऽ झाँपि देबी। अच्छा अच्छा, तहन तऽ राखि दियौ एकरा, तहन तऽ फेर मे आबि कऽ देखऽ पड़त किछु की। देखियौ भाई जी, अखन तऽ बीज एहिमे शोधन केलियै, चलू अहाँके आब हम कोबी दऽ दै छी। अच्छा दीदी, ठीक छै, बीज शोधन तऽ केलियै, लेकिन एकटा चीज ओहिमे हमरा ध्यान छलै, जे पुड़ियामे कथी दन देखने छलहुँ बीजा रक्षा। हाँ हाँ, ओकर उपयोग कहाँ केलियै? अखन तऽ बीजे शोधन केलियै, आब ने बीज उपचार करबै। अच्छा, अखन बीज उपचार बाकी छै ओकर? हाँ हाँ भाई जी, काल्हि बीज उपचार करबै, काल्हि इएह टाइममे आबि के अपन देख लै। अच्छा, काल्हि खन एकर बीज उपचार करबै, तहीमे ओ बीजा रक्षा कऽ लिए उपयोग करबै? काल्हि इएह टाइममे आबि के अपन देख लै। तहन तऽ ओहो जरूरे छै ने, तऽ आधा दूरा जानकारी रहि जायत। काल्हि हम फेर इएह बेरमे आयब, हमरा अहाँ बता देब कोना कोना ओकर बीज उपचार करबै छै। ठीक छै दीदी। काल्हि जे कहलियै जे अहाँके हम बीज उपचारके बारेमे बता देब, तऽ बीज आरक्षासँ से तऽ मानि जे छै से केना केना करै छियै से ताहिके बारेमे आप जानकारी कनि दऽ दियौ। देखियौ, ई अंडी पता भेल। हाँ, ई अंडी पता, अंडियो पता लगै छै? हाँ हाँ, अंडी पता लगै छै। करैलाके बीजके पूरा छानि के। अच्छा, छानबै सबटा? हाँ, पूरा छानि के एहिमे से। अच्छा, निकालै के है। ई टोटल छानि लेबै परमे, सेह ने? हाँ। ई सबटा जे मेसँ छानि के बाहर करै छियै से काल्हि खन जे ई गुड़ मिलेलियै, जैविक खाद मिलेलियै, गोत मिलेलियै, तऽ सबटा तऽ ओहि माटि वला बर्तनेमे रहि गेल, खाली बीआ टा बाहर करै छियै? नहि भाई जी, ई तऽ रस पी लेलनि ई बीज। देखियो भाई जी, आब तो बीया छानि लेलिए, एकरा कनि हवा लागल बीया। अच्छा, एकरा पसार देलिए जे हवा लगतै, रुख भऽ जेतै? रुख भऽ जेतै। अच्छा अच्छा, एकरा अंडी पत्ता मे पूरा बीज के राखि लिअ। अच्छा, एकरा अंडीए पत्ता पर राखल जाइ छै? हाँ भाई जी। ओ, एकटा ई बात बताओ जे पत्ता में अंडीए पत्ता किया ले लिया, ई अंडी पत्ता पर में क्या रखल जे करैला बीया? एहि दुआरे कि अंडी पत्ता में गरम होइ छै से बीया जल्दी अंकुरै छै। अच्छा, अंडी पत्ता सेहो गर्म होइ छै? हाँ हाँ भाई जी। आ एकरा एहिसँ गर्मी भेटै छै तऽ बीया जल्दी अंकुरै छै? हाँ हाँ भाई जी। चलू, इहो तऽ बड़का बात ने बतेलहुँ जे हम कहीं कठहरा पत्ता पर धऽ देतियै, कोनो पत्ता पर धऽ देतियै, अंडीए पत्ता पर देबाक चाही। हाँ, अंडी ओकरा गर्मी भेटै छै ने? हाँ, एहिमे बीजा रक्षा दिया। हाँ हाँ, एक चुटकी लऽ के
मिला दिए। अच्छा एक चुटकी बीजा रखा है। एक सौ ग्राम करेला के बीया में एक चुटकी बीजा रक्षा इससे मिला जाए। हाँ। अच्छा जी ये बीजा रक्षा जो एक चुटकी में मिले लिए है से बीजा रक्षा में क्या मिले लिए? ए दुआरे कि जहर होई छे गई गई मिलेने से कीड़ा मकोड़ा नहीं लगते। अच्छा ई जहर होई छे बीजा रक्षा। हां हां आ एकरा जे में मिला देले से कीड़ा मकोड़ा नहीं लगते? नहीं लगते। ओ और भाई जी ऐसे ठंडा के समय है ना ऐसा पाला नहीं लगते। अच्छा ऐसा पालो के असर नहीं है? पालो ने मारे छे ना। हां भाई जी तो बरबर गुण छे बीजा रक्षा में। बहुत गुण है। देखियो भाई जी मैं बीजा रक्षा मिला दिलिए अब एकरा बढ़िया से लपेट के। अच्छा मैं हवा तवा हां हवा तवा नहीं लगे के चाहिए। ओ ते द्वारा बढ़िया से लपेट छी नहीं आप सूती कपड़ा में सूती कपड़ा से हो एकरा लपेट छी। हां ओ जैसे में हवा नहीं जाए नहीं। हां भाई जी बड़ा सावधानी के बात है सावधानी रखा पड़े छे बढ़िया। हां भाई जी देखियो भाई जी एकरा खूब बढ़िया जका लपेट के में किनको हवा नहीं जाए के चाहिए एकरा गर्मी भेटते ना तो जल्दी औंकर होती। अच्छा हां जल्दी औंकरते अब एकरा की करबे? एकरा तकिया तोर में राख देबे। अच्छा एकरा तकिया तोर में राख देबे। हां हां तकिया तोर में राख देबे के तो फिर भैया के बिया के उपयोग कहिया करबे? 72 घंटा के बाद। 72 घंटा बाद? हां मतलब 72 घंटा मोटा मोटी 3 दिन के लिए लगा रखे देबे। हां 3 दिन के बाद तकिया तोर में। हां निकाल के तकिया तोर में से तकर बाद अपन खेत में रोपा। पूरा उखड़ जते? हां पूरा उखड़ जते। देखियो भाई जी ओ करबे ने करते एते ते जाके डीबीए में भ जे। अरे का डीबीओ भ जे? हां हां भाई जी तो बढ़िया है तो ई तो पैसा जल्दी निकल जते लगला पर। हां भाई जी जी अब एकरा कुछ नहीं करे के है। अच्छा एकरा 72 घंटा ला तकिया तोर में जैसी रख देला। अच्छा चलो तो हम सता तो बिजिए गेलिए। बीज शोधन से ई होय छे भाई जी कि छटैल बिया होय छे। हां बिया छटा जाय छे और बिया जल्दी अंकुर जाय छे। अच्छा बिया छटा गेले छे ने? हां भाई जी ओकरा ओ जे शोधन करै छे त बिया जल्दी अंकुर जल्दी अंकुर जाय छे। अच्छा बीज शोधन के लाभ जे छै से हमरा पता लग गेल। आ बीज शोधन या उपचार करै समय में छे से कोनो कोनो सावधानी राखा पड़ै छै? हां भाई जी बीज शोधन करे के टाइम पर गरम पानी सुसुम होय के चाही गरम ज्यादा नहीं सुसुम पानी होय के चाही। बीज उपचार के बाद हाथ के साबुन से धोले के चाहिए कि एक तरह के जहर होई छे। अच्छा वो बीज उपचार जे करे छे बीज रक्षा से एक प्रकार के जहर होई छे। हां ओकर उपयोग केला के बाद जे छे साबुन से हाथ हां बहुत बढ़िया। हां श्री विधि से करैला के बीज शोधन और ओकर बीज उपचार के बारे में हमरा बहुत तरह के जानकारी बहुत बढ़िया से देलौं अहां। कोना ओकर में कि जे छे से की लाभ होई छे कोना कोना कयल जाय छे की सावधानी बरतल जाय छे। हां भाई जी चलो ई सब के जानकारी तो हम तो बहुत बढ़िया से लो लेलौं। हां भाई जी आगा से प्रयास रहते जे अपन जते हम करैला वगैरह के छे से अहां के सब्जी खेती करब तो ओहि करैला के खेती में एहि तरह के जैसे श्री विधि से बीज उपचार बीज शोधन क करी ठीक छै ने? और किसान दीदी भाई जी कहबेन जे हिसाब से करू ऐसा फायदा छै। जीविका